हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं एपी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है सॉल्व द इक्वेशन -4 प्लस ब्रैकेट में है -1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 एक्स इक्वल्स टू 437। मीन्स एक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है और इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार जो इक्वेशन दे रखी है हम लोग, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। Clearly this is an AP with first term A equals to -4 and common difference D कितना है 3 है, correct? अब हम लोग मान लेते हैं इस AP के अंदर कितने terms हैं? N terms हैं। Let there are N terms। अगर N terms हैं तो ये सारे के सारे N terms का क्या है? Sum है। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? तब इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं Sn। And Sn equals to what? Sn equals to हम लोगों को दिया है 437। इसको क्या लिख सकते हैं? तब हम लोग इसको लिख सकते हैं n अपॉन 2 और ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 437, करेक्ट। अभी तो हम लोग a जानते हैं मिस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी हम लोगों के पास में है, जो जानते हैं वैल्यूज रख देते हैं उन सब की। सो n को n अपॉन 2 ओके 2 और a कितना है हम लोगों का -4 प्लस एन को एन ही रहने दीजिए -1 और जी तो जानते हैं कितना प्लस का 3, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 437। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो दिस इज एन अपॉन 2, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया -8, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे सो कितना हो गया 3n, 3 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -1 में सो दिस इज -3 एंड दिस इक्वल्स टू अबाउट 437, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए एक बार और इसको कर लेते हैं। सो 3n है यहाँ हम लोगों का 3n, -8 और -3, -8 और -3 कितना हो गया -11 एंड दिस इक्वल्स टू 437, करेक्ट। अब 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, और साथ में n का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर रहे हैं तो कर देते हैं। सो n का मल्टीप्लाई 3n में किया तो क्या बन गया 3n स्क्वायर। अब n का मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो -11 n एंड दिस इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग इधर करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 874, 2 का मल्टीप्लाई किया राइट ट्रांसपोज कर देते हैं इसको और तब लिखा जा सकता है क्या 3n स्क्वायर -11n और क्योंकि ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव हो जाएगा 874 एंड दिस इक्वल्स टू 0 राइट। नाउ दिस इज परफेक्टली लुकिंग लाइक व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो स्प्लिटिंग द बडिल टर्म्स इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और तब इसको लिख सकते हैं क्या, तब इसको लिखा जा सकता है 3n square minus 11n के प्लेस पे हम लोग रख सकते हैं 57x minus 46x minus 874 and this equals to 0. So this can be written 3n square, bracket open कर देते हैं, so this is 57x, minus की वजह से क्या हो जाएगा plus 46x माइनस 874 इक्वल्स टू 0। अगेन हम लोग क्या देख सकते हैं, व्हाट इज कॉमन ही है इन दोनों टर्म्स में से 3n। सो अगर 3n कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रहता है n माइनस 19, करेक्ट। प्लस यहाँ पे देखें तो व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स 46 अगर कॉमन लिया तो क्या रहता है x माइनस 19 एंड दिस इक्वल्स टू 0। अगेन देख रहे हैं यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है और दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है n माइनस 19 कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो क्या रह गया 3n प्लस 46 एंड दिस इक्वल्स टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 0, सो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो या तो कह सकते हैं तब हम लोग, या तो n माइनस 19 इक्वल्स टू 0 है या फिर 3n प्लस 46 इक्वल्स टू 0 है। अगर n माइनस 19 0 है तब निकल के आ जाता है हम लोगों का n इक्वल्स टू व्हाट 19, करेक्ट। या फिर
3n equals to what? Minus 46. So n equals to minus 46 upon 3. Correct? लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, राइट? सो लीविंग और रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, सो इसको रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग. देयरफॉर क्या सही है हम लोगों का? एन इक्वल्स टू 19. अब 19 टर्म्स है तो एक्स कौन से टर्म होगा? एस ए पी का 19th ही टर्म होगा, राइट? तो अगर 19th टर्म है तब इसको हम लोग लिख सकते हैं नाउ ए 19. ए 19 किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा, बिकॉज 19 टर्म अगर टोटल एपी के अंदर हैं तो 19 वही टर्म क्या होगा, 19th टर्म ही क्या होगा, एक्स होगा. ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर दें तो ए 19 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? ए प्लस 18 डी इक्वल्स टू एक्स. जस्ट पुट द वैल्यूज. ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 प्लस 18, और d की तो वैल्यू पता है हम लोगों को कितना? 3, एंड दिस इक्वल्स टू x. सो कितना रह गया? माइनस 4 प्लस 54 इक्वल्स टू x. या फिर इसी चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं? x इक्वल्स टू what? सिंप्लीफाई किया तो 50, एंड दैट इज योर आंसर. आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें. चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए वीडियो के साथ में. थैंक यू वेरी मच.